इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं देवेंद्र शर्मा, आपको लगता है पनगड़िया साहब की बात सुनकर और हमारा भी एनालिसिस ये है कि इस बार ग्रामीण इलाकों पर और एग्रीकल्चर पर फोकस रहेगा, यू विल हैव अ रीजन टू स्माइल? नो, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अगर फोकस रहेगा तो बहुत अच्छा है देश के लिए, पर लग रहा रहेगा सर इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, लेकिन हमें सिर्फ ये है जो जैसा कि अभी तक मोदी सरकार जिस ट्रैक पे, do you think they are in right track? नो, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भाई सरकार ये एक मैसेज दे रही है कि भाई एग्रीकल्चर के ऊपर सारा फोकस आएगा, जो कि आना चाहिए था पहले भी, लेकिन अब आएगा, चलिए देर आए पर दुरुस्त आए। मेरा ये कहना है कि आपने ये कह तो दिया, लेकिन आप ये बताइए कि अगर जो अगर इंडिकेशन अगर इकोनॉमिक सर्वे से मिलते हैं जी, तो फिर वो एक तरह की लिपा पोती है। अब बताइए मुझे कि भाई एक हम मान के चले हैं कि इरीगेशन आएगा, इरीगेशन कब आएगा? आप क्या सोचते हैं कि इरीगेशन आने से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर के? इरीगेशन जरूरी है, ये मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, बट टू जस्ट डब इट कि इरीगेशन आएगा, ये बहुत बड़ी सोच है कि मोदी सरकार डेढ़ साल में सब कुछ कर ले। डोंट यू थिंक डेढ़ साल में पॉसिबल है ये सब कुछ चीजें? अब मैं अब या फिर दो साल में, पिछले 50 साल से नहीं हुई तो मैं डेढ़ साल में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज अ नीड टू डू इट। अब मेरी बात में एक मत सुनिए कि इरिगेशन जो है पंजाब में 99.9% इरिगेशन है, उसके बाद भी रोजाना 4-5-6 किसान मर रहे हैं, ये क्यों मर रहे हैं? क्या ये आंसर है इरिगेशन के एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हट जाएगा? इकोनॉमिस्ट को भी कभी समझना चाहिए। बट ओके ओके, सीएम वासुदेव डोंट एग्री टू यू। मैं ओके वासुदेव सब क्विक कमेंट, देन जीवीएल एंड संजय झा, दे आर वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग फॉर लॉन्ग, वेरी क्विक कमेंट, क्विक क्विक कमेंट। देखिए सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल सेक्टर की समस्या इस समय यह है कि आपका एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में अब हो गया 14%, और जो पॉपुलेशन का परसेंटेज डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर वो लगभग 60% है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, कहने को वही डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत एग्रीकल्चर को तवज्जो देने के साथ साथ नॉन फार्म सेक्टर जो है रूरल एरियाज में उसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर से हटके कुछ नौकरियां निकले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बात ये सरकार करना चाहती है, लेकिन कितना कर पा रही है वो बड़ा बड़ी बात है। ये फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी बात बोली है कि हम चाहते हैं कि कृषि में लोग और बढ़ते रहे, या फिर हम चाहते हैं कृषि में लोग कम हो और वो बाकी जगह जाए, क्योंकि किसान की जमीन तो उतनी रहती है। 14% शेयर है और बच्चे जो है वो उनके के बीच में वो जमीन डिवाइड होती रहती है, तो समस्या बढ़ जाती है। मेरे साथ जीवीएल है संजय झा है, मैं उनके पास चलूंगा। राजीव कुमार, वेलकम टू यू, काफी देर से ये दोनों वेट कर रहे हैं। जीवीएल, विल यू गिव रीजन टू स्माइल स्पेशली टू देवेंद्र शर्मा, जो पिछले एक साल से बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस होना चाहिए, रूरल इंडिया पे स्ट्रेस होना चाहिए, विल यू गिव हिम अ रीजन टू स्माइल ऑन मंडे? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। अमित जी, देवेंद्र जी आपके प्रोग्राम्स में कई बार इसके उल्लेख करते हैं, काफ़ी अच्छा विचार रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये पूरे देश ये चाहता है कि हमारी जो क्राइसिस रही एग्रीकल्चर सेक्टर में वो उससे हम निकले। मैं एक विषय, आपको क्या क्या प्रपोजल्स होंगे इसके बारे में ना मुझे कोई जानकारी है, ना ही आप इकोनॉमिक सर्वे को बेस मान कर चल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक्चुअल एक फैक्चुअल रिपोर्ट है, एक स्टेटस रिपोर्ट है, वे इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, तो इसलिए इससे सीधा आप कोई अटकलें लगाए उससे बेहतर होगा मंडे तक वेट करें। बट लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो कोई बैंडेड सॉल्यूशंस नहीं देना चाहते हैं। कोई चुनाव में 6 महीने पहले हमने कहा हार हुआ तो उसके कारण पूरे पॉलिसी उसके आधार पर बनेगी, बिल्कुल ऐसे कतई मत सोचिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है, इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और जो इसको सही ढंग से जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल मैलेस है, उसको ख़त्म कैसे किया जाए, डिमांड को कैसे ग्रो किया जाए, उसके लिए रूरल सेक्टर में डिमांड जनरेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाए, ये ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई छोटे छोटे विषयों पर कल की परसों की सोचकर कोई निर्णय नहीं करते हैं, वो दूरगामी सोच से काम करते हैं। आपने यदि 12 साल की उनकी जो गुजरात जिस प्रकार उन्होंने चलाया, आप जिस प्रकार उन्होंने वहां पॉलिसीज बनाए, आप उस पर गौर करेंगे, आपको मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आएगा। कोई शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट डिसीजन लेके पॉपुलैरिटी बटोरना उनकी नेचर नहीं है। ओवरऑल सभी सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करना, ओवरऑल इकोनॉमी को सही रेल्स पर लाना, ग्रोथ देना, और जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं
पोरर सेक्शंस हैं उनका चिंता करना, ये उनकी ब्रॉड, जहां मैं समझता हूं उनकी फिलॉसफी होगी। मैं समझता हूं ये जो बजट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। जी संजय झा, बीजेपी इस बार मूड में है, बीजेपी की सरकार मूड में है कि इस बार ही कृषि के लिए पूरा पिटारा खोला जाए और रूरल इंडिया के लिए पिटारा पूरा खोला जाए। कांग्रेस इकोनॉमी के ऊपर व्हाइट पेपर लाने की बात कर रही है, कह रही है कि मोदी सरकार व्हाइट पेपर लेकर आए, इकोनॉमी का बुरा हाल है, बैंक्स की कंडीशन खराब है, आपने टारगेट कर रखा है, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन इकोनॉमिक सर्वे एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बजट? देखिए अमित, यू आर अ फॉर्मर बैंक। ओके अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे रघुराम राजन जी ने खुद ही कहा है कि हमें ज्यादा ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये हवाबाजी की बात हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी जीडीपी के आंकड़े भी क्या हैं या वो सही हैं या उचित है उस पर भी दो राय है। तो आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार हवाबाजी? मान लीजिए कि नई जीडीपी के नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़े की मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। इन्होंने भविष्यवाणी किया है कि अगले साल जीडीपी का ग्रोथ 7 से 7.75% रहेगा। ये 750 बेसिस पॉइंट्स इतना बड़ा और चौड़ा जो इन्होंने अनुमान किया है वो मैं समझता हूं कि आश्चर्यजनक है, और ये सिद्ध करता है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय हालात में जो भी थोड़ी में निराशा हो या थोड़ी मंदी हो, लेकिन सरकार में आत्मविश्वास कम है। ये इसीलिए आंकड़े इतने लंबे चौड़े हैं, 7 से लेके 7.75%। तीसरी बात, यदि भी इनके आंकड़े 7% पे आए हैं तो आप देखिएगा कि यूपीए से इन्होंने 7% का जीडीपी इन्होंने इनहेरिट किया था, 6.9% था, तो उसको 7% लेके आप बढ़िए। तो यदि 3 साल के बाद यदि इन्होंने अभी भी अनुमान करते हैं कि भारत का जीडीपी 7% रहेगा, मतलब ये मानने के लिए तैयार है कि प्रगति सचमुच में नहीं हुई है। चौथी बात, जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं समस्या है, जो देवेंद्र शर्मा जी ने जो कहा है कि आप यदि कृषि क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र जी, संजय जीवीएल वॉट शुरू है, पिछले साल वो कम था, नकारात्मक था, इस साल 1.1% का ग्रोथ हुआ। ओके ओके सर, आपकी संजय जिले तो 300 है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है आंकड़े क्या देने हैं, इसी वजह से आप इतने लंबे चौड़े आंकड़े दे रहे हैं। व्हाट इज योर टेक 30 सेकंड जीवीएल, कांग्रेस टारगेट कर रही है इस समय इकोनॉमी को? अच्छा अमेश जी, ये इसी आप कितने भी प्रिसाइज प्रोजेक्शन करें, कितने भी स्पेस, मैं ये भी कह सकता हूं 7.7528% होगा ग्रोथ, क्या ऐसा कोई कर सकता है? आपने आपके कार्यकाल में, आप लास्ट ईयर का ही देखिए, इनके कार्यकाल में फाइनेंशियल ईयर में कितने बार ग्रोथ एस्टिमेट्स रिवाइज हुए थे। ओके, तो इसलिए एक रेंज बाउंड प्रोजेक्शन देना मैं समझता हूं सरकार की सही सोच को दिखाता है, सरकार के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, इंटरनेशनल फैक्टर्स की जो बात किया है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। एक तो मैं मोटे विषय में एक सेंटेंस ऐड करूंगा, प्रधानमंत्री पिछले डेढ़ साल की 20 महीने की देखें तो नहीं, एक सेकंड, मैं एक स्टैटिस्टिशियन हूं, मैं एक आंकलन संख्या वाला आदमी हूं, संजय जा भी बैंकर, लेकिन इसलिए कोई 5 डेसिमल का कोई एस्टिमेट दे वो ज्यादा बेहतर होगा, ये मैं समझता हूं कि केवल जो संख्या को समझते नहीं है वो ये ऐसे टिप्पणी कर सकते हैं। बैंकर वर्सेस स्टैटिस्टिशियन, ओके ओके संजय, नाउ योर व्यू पॉइंट, देन राजीव कुमार विल इंटरव्यू, क्योंकि राजीव कुमार को आज अपना मैं को एंकर समझ रहा हूं। अमित जी मैं, ओके संजय अमित जी, मैं देशद्रोह पे तो बहुत बहस हो गई, कहूंगा कि इन्होंने शायद सीखा है कि बहस करते हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, देखिए अरविंद सुब्रमण्यम जी ने पिछले साल ये बहुत बहुत अग्रेसिव आक्रामक उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सर हमारी अर्थव्यवस्था 8% से ऊपर जाएगी, वो हुआ नहीं है। लेकिन ये भी इस तरीके से इतना, यदि इस सरकार अनिश्चित है,
इतनी अनसर्टेनिटी है सरकार में, ये अच्छा एक सिग्नल नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत नकारात्मक सिग्नल है। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का है, मैं राव साहब को बताना चाहूंगा, आपने 2 साल तक इसको नकारा है, नजरअंदाज किया है। महाराष्ट्र में जहां मैं रहता हूं, उसके एक जिले में 3,000 लोगों ने आत्महत्या की, आप लोग 2 साल से कुछ किए नहीं। आपके पास सिर्फ 2 और बजट है। आप यहां पर अब कुछ सुधारने या परिवर्तन लाने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं है। और ये अचानक ऐसे नहीं अभी आपको पैसे दे देंगे, वक्त तो है लेकिन मंशा की जरूरत है, वो बात अलग हो सकती है। ओके जीवीएल 20 सेकंड में रिप्लाई, देन राजीव कुमार। जीवीएल 20 सेकंड क्विक रिप्लाई। अब देखिए, नहीं 2 साल फॉर्म ग्रोथ कम होने का कारण सब जानते हैं, बैड मानसून है। और हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, रेनफॉल डिपेंडेंट है हमारे एग्रीकल्चर, तो ये सब समझते हैं। वी हम उम्मीद करते हैं अगले साल बेहतर होगा स्थिति, होपफुली रेन गॉड्स विल। पर जीवल आपने एमएसपी नहीं बढ़ाई है, एमएसपी जो प्रॉमिस थी वो भी नहीं बढ़ाई है। इतना कमजोर आप कैसे हो गए? एमएसपी भी आपने नहीं बढ़ाई है। ये एमएसपी हर साल बढ़ रही है, बहुत ही कमजोर सरकार की निशानी है। एमएसपी हर बहुत हर साल बढ़ रही है एक तरह, और पल्सेस का तो हाल ही बढ़ा दिया। तो वादा कर रहा है आप जब तक एमएसपी बढ़ा देंगे, उसके हिसाब से तो नहीं हुआ काम। जीवीएल, लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट। राव साहब, आपकी सरकार ने 2 साल पहले वादा किया था कि 50% बढ़ाएंगे, आपने नहीं बढ़ाया। गलत बात बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, राजीव कुमार का मिलना 50%। सुनिए अमीश जी, ये गलत है। 50% उनके लिए प्रॉफिट हो किसान के लिए, ये हमारी मंशा है। पर लेकिन एक साल में संभव नहीं था। 50% मुनाफे की हमारे कार्यकाल में ये कर दिखाएंगे। उनके लागत पर 50% मुनाफे की बात तो हुई थी, ये बात तो स्पष्ट है। इसमें तो कोई दूसरी बिल्कुल हुई। और एक कर नहीं, ये बिल्कुल इसी और वादा आपने विश्वासघात किया है उसके साथ। हम एक कर दिखाएंगे गाइस, मेकिंग इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट, विश्वासघात किया है बीजेपी की सरकार ने। कम ऑन, लेट्स नॉट डिरेल द डिबेट। ओके, सच्चाई है। आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी जीवे, ठीक है, लेट मी मेक यू श्योर, आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी डिरेल द डिबेट। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग राजीव कुमार इन एंड आफ्टर दैट देवेंद्र शर्मा। राजीव कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपकी राय के अंदर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत लंबे लंबे भाषण हो सकते हैं, बहुत लंबी लंबी एडवाइजेस दी जा सकती है, लेकिन हमें 2 क्विक चीजें जो करनी होंगी वो क्या है? मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक एनालाइज करा है, हो सकता है उसमें से कुछ गलत भी हो, एक है नौकरियां बढ़े, और दूसरा है डिमांड बढ़े। व्हाट इज योर व्यू सर? नहीं अमीश, आपने दोनों बातें बहुत सही कही हैं। उससे पहले एक बस मैं कहना चाहता हूं कि आपने खुद भी कहा कि इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं बढ़ रहा, मगर जो आंकड़े हमारे आते हैं वो दिखाते हैं कि 7.6 वगैरह हो चुका है। तो एक ज़रूरी चीज़ है कि इस बजट में सरकार को कोई ऐसा अनाउंसमेंट करना चाहिए कि एक एक्सपर्ट ग्रुप अपॉइंट करके ये जो सारा मसला है उसको एक साफ तौर से हल कर देना चाहिए, जिससे कि जो हमारी आंकड़ों की जो क्रेडिबिलिटी है वो फिर से बन जाए, उसमें बहुत फायदा होगा हर सबको। दूसरी चीज जो आपने नौकरी की बात कही, इससे बड़ी बात और दुनिया इस देश में और हो ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा जरूरत उसी पे है, उसी की आवश्यकता है। और उसके लिए जो मेरे जहन में जो मुद्दा है वो है कि आपको अपने निर्यात को कम से कम 20% सालाना की रफ्तार से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके निर्यात जो है वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, आपके निर्यात एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक लक्ष्य अपना मान लें नीति का, और वो है कि मुझे अपने निर्यात 20% बढ़ाना है, जैसे चीन ने 1990 में उसका वर्ल्ड मार्केट में शेयर 2% था, यह आज इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, और आज उसका शेयर 17% है। दुनिया के एपरल, अपने कपड़ों के एपरल मार्केट में उसका शेयर 38% है। हमारा पहले भी 1.5% था, आज भी वही 1.5% है। तो एक ही उदासीनता मुझे कभी कभी दिखती है, जो थोड़ी सी आज इकोनॉमिक सर्वे में झलकी कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ नहीं सकते, इसको खत्म करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, आज जो हम लोग आज कृषि की जो बात कर रहे हैं उसमें एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। ये जो है वो जो लेकिन राजीव कुमार, इंटरेस्टिंग बात है, अमूल चूल मूलभूत परिवर्तन की बात हर बजट से पहले होती है, लेकिन जैसे ही बजट आता है सिचुएशन चली जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना कम हुआ, इनकम टैक्स कितना कम हुआ,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कितने सस्ते और महंगे हुए, सिगरेट महंगी हुई, तमाम टेलीविजन में आप देखते हैं डिस्कशन वही हो रही होती है, पिंक पेपर्स की भी ऑलमोस्ट हेडलाइंस इसी इर्द गिर्द होती है।